हेलो फ्रेंड्स, मेरे विराट और स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज देख रहे हैं आप एक और फ्रेश वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं 27 तारीख को होने वाला एक ऐसा अपडेट जिससे आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 27 तारीख से सभी क्रिएटरों की अर्निंग बढ़ने वाली है, क्योंकि ऐसे ही अपडेट होने वाला है यूट्यूब पर जो कि 27 तारीख को होगा मोनिटाइजेशन से रिलेटेड। इसमें आपकी वीडियो पर एड्स ज़्यादा होंगे और बस थोड़ी सी सेटिंग आपको चेंज करना है अपने चैनल की सेटिंग में जाकर। तो मैं सारा कुछ आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, 27 तारीख को जो अपडेट होने वाला है उसमें किया ये गया है कि आप पहले 10 मिनट की जो वीडियो होती थी उस पर मल्टीपल एड लगा सकते थे, यानी अपने हिसाब से आप उसमें एड लगा सकते, एक शुरू में, एक लास्ट में, और बीच में आप दो चार एड्स और लगा सकते थे, क्योंकि आपको कंप्लीट करना होता था 10 मिनट की वीडियो, से कम की वीडियो में आप नहीं लगा सकते थे। लेकिन जो 27 तारीख को अपडेट होने वाला है उसमें ये किया गया कि अब से आप अगर 8 मिनट की वीडियो भी बना रहे हैं तो उसमें भी आप मल्टीपल एड लगा सकते हैं अपने हिसाब से, एक शुरू में, एक लास्ट में, और बीच में भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि वीडियो के साइज़ को छोटा कर दिया गया। क्योंकि कई लोग 10 मिनट की वीडियो बनाने में सक्षम नहीं होते थे, कोई 7 से 8 मिनट या 9 मिनट की भी हो जाती, लेकिन 10 मिनट की वीडियो नहीं हो पाती है। तो इस बात को ध्यान में रखकर YouTube ने ये फैसला लिया है कि अब से 8 मिनट की वीडियो पर भी मल्टीपल एड लगा दिए जाएंगे मिडरोल एड के जरिए, जिसमें आपकी वीडियो की जो अर्निंग है वो ज़्यादा होगी। अब वो ज़्यादा कैसे होगी, क्योंकि जब आपकी वीडियो पर एड्स ज़्यादा आएंगे और आपकी वीडियो का टाइमिंग ड्यूरेशन जो कम कर दिया गया है 10 मिनट से लेकर 8 मिनट कर दिया गया है, तो इससे क्या होगा कि आपकी वीडियो पर एड्स ज़्यादा आएंगे और एड भी अब इस तरीके के आएंगे जिससे आपकी अर्निंग तेज होगी। महंगे एड लगाए जाएंगे अपनी वीडियो पर जिससे आपकी अर्निंग अच्छी खासी होने लगेगी, 100% आपकी अर्निंग बढ़ेगी। आपकी वीडियो 8 मिनट का तो होना ही चाहिए कम से कम, क्योंकि 10 मिनट से आप 8 मिनट कर दिया गया है, तो उसको आपको क्या करना है, अपनी वीडियो को 8 मिनट का बनाना है। उसके बाद आप अपने हिसाब से इसमें एड लगाइए और अच्छी खासी अर्निंग कीजिए। आप बात करते हैं कि आपको कैसी क्या सेटिंग करना है अपने कंप्यूटर पर या मोबाइल से किस तरीके की सेटिंग करना है, तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और बता देते हैं कि मोनिटाइजेशन वाले ऑप्शन पर जाकर किस तरीके की सेटिंग आपको करना है जिससे कि आप 27 जुलाई को होने वाले अपडेट में शामिल हो सके। तो फ्रेंड्स, आपको अपने चैनल पर साइन इन हो जाना है, उसके बाद आपको अपने यूट्यूब स्टूडियो बीटा पर आना है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना है मोनिटाइजेशन, ठीक है। मोनिटाइजेशन एक बात ध्यान रखिएगा, ये अपडेट केवल उन लोगों के लिए है जिनका मोनिटाइजेशन ऑन है, ठीक है। जिनका मोनिटाइजेशन ऑन नहीं है उनके लिए अपडेट बिल्कुल भी नहीं है, और उनके पास कोई मेल भी नहीं आया होगा, क्योंकि मेल सिर्फ उन लोगों के पास गया है जिनके चैनल का मोनिटाइजेशन ऑन है, ठीक है। जब हम मोनिटाइजेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके का पेज ओपन होता है, जहाँ पर ये देखिए ये नोटिस हमें दिया जा रहा है। यहाँ पर एक्शन बटन है, यहीं से हमें हमारी सेटिंग को चेंज करना है और हमें सिलेक्ट करना है कि हमें किस तरीके का ऑप्शन ठीक लग रहा है। तो जैसे ही आप एक्शन बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे लिखा है ओपन प्रेफरेंस, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए एक नोटिस बोर्ड आ जाएगा जिसमें आपको सेव करना है। आप पहले वाले ऑप्शन पर भी रख सकते हैं और दूसरे वाले ऑप्शन पर। पहले वाले ऑप्शन में ये रहेगा कि जो मशीन लर्निंग सिस्टम के जरिए आपकी अगर कोई पहले भी वीडियो बनी हुई होगी जो कि 8 मिनट की है, उसमें एड लग जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आप ले सकते हैं, इसमें आपको फ़ायदा भी है, क्योंकि अगर आप नीचे वाला ऑप्शन लेते हैं तो इसमें आपको खुद से सिलेक्ट करना होगा कि आपकी कौन सी वीडियो पर आप ऐड लगाना चाहते हैं। मान लीजिए आपने 500 से 700 वीडियो बना कर रखी है, तो आप किन किन वीडियो पर आप क्लिक करेंगे और कैसे चेक करेंगे कि किस वीडियो पर ऐड लगाना चाहिए या नहीं। और इसके ज़रिए क्या होगा कि जो मशीन लर्निंग सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो पर ऐड लगाना स्टार्ट कर देगा। तो पहला वाला ऑप्शन सबसे बेहतर है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सेव कर देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि 27 तारीख को जो अपडेट होने वाला है उसमें आप भी शामिल हो जाएंगे। एक बार फिर से बता दूं, मोनेटाइजेशन आपके चैनल का ऑन होना चाहिए बिल्कुल, तभी आपके पास ये अपडेट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो चलिए वापस वीडियो पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, आपके पास दो ऑप्शन है, आप दो में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको पहला वाला सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले अगर आपने कोई वीडियो बनी होगी जो कि 8 मिनट की होगी उसमें भी ये अपडेट लागू हो जाएगा, और जो आपकी 8 मिनट की वीडियो होगी उसमें ऑटोमेटिकली एड लग जाएंगे। लेकिन जो अब आने वाली वीडियो होगी उसमें आपको खुद से एड लगाने होंगे, लेकिन जो पहले की 8 मिनट वाली वीडियो होगी उसमें आपको ऑटोमेटिकली एड्स दिखाई देने लगेंगे पहले वाले ऑप्शन। और दूसरे वाले ऑप्शन में क्या होगा कि आप खुद से सिलेक्ट करेंगे कि किस वीडियो पर हमें एड लगाना है या नहीं लगाना है, भले ही आपकी वीडियो 8 मिनट की हो या 10 मिनट की हो, दूसरे वाले ऑप्शन में आपको खुद से सिलेक्ट करके इस एड को लगाना होगा।
तो ये बात को आप ध्यान में रखकर इस अपडेट को क्लियर कीजिए और आने वाले 27 तारीख से पहले पहले इन ऑप्शन को क्लियर कर कर इस पर सिलेक्ट कर कर उसे सेव कर दीजिए ताकि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस तरीके की जानकारी आपके साथ आज शेयर करनी थी। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। बाय।